तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब कल की वीडियो में तुम लोग को नया मोड देख के बड़ा मजा आ गया था, तो हमने कहा चलो आज तुमको थोड़ा सा और दिखाते हैं। और भैया मजेदार मैच होने वाला है सोलो स्क्वाड का, तो भाई एकदम तैयार हो जाओ। अभी वो एक बंदा है कि दो, पता नहीं, एक नॉक तो कर दिया मैंने, मतलब मेरे को लग रहा है कि वो दो बंदे थे यार। अरे कैसे नॉक नहीं हुआ ये बंदा, इसको पॉड शॉट हेडशॉट दोनों पड़ी थी। पता नहीं कौन सा हेलमेट है इसके पास। वेल जो भी हो, इसको क्या पता कि मेरे हाथ में क्या है। बूम, तो ये भाई साहब नॉक हो गए, फिर इनको भी नॉक कर दिया। तीन बंदे नॉक हो चुके हैं, बट किल अभी तक मुझे एक भी नहीं मिला है, पता नहीं कहां गए हैं सब। अब इसका तो किल मैंने कंफर्म कर लिया, लेकिन दो बंदे अभी बच रहे हैं जिनका किल मिलना मुझे बाकी है। एक जिसको उतरते ही नॉक करा था और दूसरा जो ग्रेनेड से नॉक हुआ था, बट तभी यहाँ पर मेरी गोलियां खत्म हो गई। सामने मेरे को एक बंदा भी दिखा था और यहीं पर पास में मेरे को पड़ी कुछ गोलियां मिल गई। अब देखो यहाँ पर मेरे दिमाग से वो बंदा टोटली निकल गया है जिसको मैंने ग्रेनेड से नॉक करा था। वो पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा भाई, ऊपर वाले जाने। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बंदा घर के अंदर मस्ती कर रहा है, तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैंने दो सबसे कॉमन जगह पर तो मॉली डाल दिया था, उस बंदे को मर जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे ये बच रहा है यार। उधर भी नहीं खिड़की की तरफ, ये है कहां पर? ओ भाई शॉटगन यार, ये कैसे बच गया मॉली से? मतलब मॉली यार गिरा नहीं था क्या वहां पर? बस जो भी, उसके बाद मेरे को कोई मिल नहीं रहा था, तो अपन है कहां, जॉर्ज पूल। उम्मीद तो नहीं थी कोई मिलेगा, लेकिन भाई जहां उम्मीद नहीं होती है ना, अक्सर खेती वहीं हो जाती है। जो मैंने अभी भी बोला है ना, उसको इग्नोर कर। वेल देखो, इसको मैंने नॉक कर दिया था और ये बचने की फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इसके टीम को सामने वाले बंदे ने मार दिया जो कि गोलियां चला रहा है, क्योंकि अपने आप ही फिनिश हो गया। अब मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि भैया उधर हो रही थी फायरिंग, दो बंदे फायरिंग कर रहे थे, तो कुल मिला के दो किल्स तो मेरे को मिल ही जाएंगे मिनिमम। अब जरा यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं साइलेंट वॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ और भाई काम कर गई ये चीज़, बस तुम देखते जाओ। सबसे पहले मैं इधर आके रुका, क्योंकि मेरे को लग रहा था बंदा वेयर हाउस में होगा, टीपीपी ले रहा होगा। वो टीपीपी तो नहीं ले रहा था, बट लड़ जरूर रहा था किसी से। और तभी मेरे को फुटस्टेप आए भाई ऊपर के, भाई अगर मैं एयर पंच करके ना चल रहा होता ना, तो ये बंदा 100% मेरा साउंड सुन लेता और बजा देता मेरे को। पहले ये भी सोच रहा होगा कि मैंने ऊपर देखा कैसे इसे। पहल देखो, अब ये बंदा क्योंकि नॉक हुआ था, तो मुझे पता था ऊपर पड़े पड़े तो फिनिश हो ही जाएगा, तो मैं उसको ढूंढ रहा था जो यहाँ पर लड़ रहा था। अब इन भाई साहब को मेरा फुटस्टेप तो आ ही गया था, तो ये रेडी थे मेरे लिए। अब इसको मैंने मार दिया, ये तो मर गया, लेकिन सामने कुछ बॉट्स या बंदे पता नहीं कौन थे आपस में भिड़ने लगे, तो मेरा ध्यान उन्होंने खींच लिया, तो क्रेन वाला बंदा अभी भी बच रहा है, वो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर फाइनली मेरा फोकस जो था ना, वो क्रेन वाले पे गया, क्योंकि अभी तक फिनिश नहीं हुआ यार। मतलब तो काफी टाइम हो गया नॉक हुए, ये फिनिश क्यों नहीं हुआ, अब तक इसको हो जाना चाहिए था फिनिश। तो यहाँ पर मेरे को डाउट हो रहा था क्या इसे रिवाइव मिल गया है, लेकिन तभी मेरे को ये दिखा। अब इसको तो मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन साथ ही साथ कोई और भी फिनिश हुआ था, शायद वो बॉट था, क्योंकि ऊपर वाला बंदा तो रिवाइव हो गया है। आई हाय, एक हेडशॉट एक बॉडी, लेकिन लेवल 3 का हेलमेट उसके पास, तो ये बच गया। और ये पीक तो देने वाला है नहीं, तो मेरे को थोड़ी देर इधर वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसके एक और बंदे ने पुश करने की सोची यार, मेरे को फुटस्टेप आ रहा है, ये है कहां? अच्छा भाई फोर एक कहां से आ गया? ओ भाई शिफ्टिंग में यही प्रॉब्लम आती है यार, कि इतनी सेटिंग्स है ना पबजी मोबाइल में, मतलब हर चीज की तो सेटिंग है भाई, क्या बताऊं। पिकअप सेटिंग में मुझे लगता है कि 4x मैंने ऑटो पिकअप पे लगा रखा है इधर, तो वो भी हटाना पड़ेगा।
भाई मैं 4x हो गया और कौन सा स्कोप 2x हो गया, ये ऑटो पिकअप पे नहीं रखता भाई, और हॉलो साइट, ये तीन चीजें तो। अब मेरा ध्यान क्रेन वाले पे था तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। अब गाड़ी वाले रुकेंगे कि नहीं पता नहीं है, बट एक क्रेन वाले को जल्दी से मारना। अब यार इसको भी गाड़ी आती हुई दिखाई दी होगी और मैंने फायर करा तो शायद इसको लगा होगा कि मैं उधर बिजी हूँ, पुश करने की सोच रहा था। तो यहाँ पर एक मस्त किल मेरे को मिल गई, लेकिन भाई ये गाड़ी वाले रुके हैं कि नहीं ये पता नहीं है, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। वेल जानते हो यहाँ पर जब बंदों को मारो ना तो उनके गिरने का एनिमेशन जो आता है ना वो BGMI में नहीं है। तो यार तुम लोग मेरे को बताना कि क्या ये फीचर कभी, फीचर तो नहीं है ये एनिमेशन कभी भी BGMI में नहीं था, क्योंकि यार ये काफ़ी है तो बढ़िया चीज़ BGMI में क्यों नहीं है अब तक। वैसे अभी तो फिलहाल आएगी भी नहीं, बस जो भी हो ये देखो ज़रा भाई, मैं तो बॉट समझ रहा था इसे। मुझे लगता है इसी की टीम थी जिसे छोड़ के भागी है, और वो तो निकल गए भाई, वो तो रुकने के प्लान में था, पहाड़ी पे चढ़ गए वो। अब यार उनका पीछा तो मुझे करना ही था, तो मैंने उठाई अपनी डासिया और सीधे उधर जाने लगा, लेकिन यार वो ऑलरेडी इतनी दूर थे कि वो कहाँ गए तो मुझे पता लगना मुश्किल था। अंटिल अनलेस वो खुद ही मुझे बुला ले। तो भैया देखो सामने हुआ फायर, तो यहाँ मेरे को दौड़ दो जोड़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। नीचे जो कंपाउंड है छोटा सा, वहाँ पर दो स्क्वाड आपस में भिड़ गई और कतई कतलेआम मचा पड़ा। तो ऐसे में हम भी गए अपना हिस्सा लेने थर्ड पार्टी करने। अब ये लड़ तो रहे थे बट ये थे पहाड़ी के पीछे, तो मेरे को कुछ उतना अच्छा वाला प्यारा वाला एंगल नहीं मिल रहा था, और क्योंकि मेरे पास AWM नहीं थी मुझे स्प्रे करना पड़ता है M4 से, तो मैं रिस्क भी नहीं उठाना चाह रहा था। चलिए मेरी कौन सी किल फिनिश हुई है मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ इधर अपन ने गाड़ी लगाई और बस अब देखो तुम मजेदार की। अब यहाँ पर चाइनीज कोरियन कौन है ये पता नहीं, तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन बताना है। तो यहाँ पर मैंने इसको नॉक्सरिज दोनों कर दिया, इसका टीममेट सामने वाली रिच के पीछे है, तो वहां मैंने सोचा कुछ मॉली और नीड्स डालता हूँ, बट यार तुमको तो पता ही है ना पैनिक सिचुएशन में थ्रोएबल्स काम नहीं आते। अब मैं जान गया था कि ये बंदा घूम रहा है, एक जगह रुका नहीं है, तो थ्रोएबल्स फेंकने से कोई फायदा नहीं है, मेरे को एंगल चेंज करना पड़ेगा, और तभी मेरे को ये भाई साहब। अब इनको मैंने धर लिया, फिनिश करने की कोशिश करी बट पता नहीं कैसे ये बच गया, लेकिन भाई इसको छोड़ेंगे तो है नहीं, अब गाड़ी लेके पुश करेंगे भाई पूरी स्क्वाड के ऊपर। अब फुटस्टेप आया मेरे को तो मैं रेडी था, तो इसको फिनिश मारा, लेकिन ये बंदा किधर है, क्या ये झोपड़ी के पीछे है या अंदर है ये नहीं पता है, तो मैंने एक नेट डाला कि झोपड़ी में होगा तो बाहर निकलेगा। ओ भाई मेरे को लगा था इधर पे फंस जाऊंगा। वेल जो भी हो ये ऊपर से गाड़ियाँ कैसे उतरी भाई, मेरे को तो एक बार लगा था फ्लेयर उतारा, मैं खुश हो गया था, फिर देखा तो यार किसी ने US मंगा रखी है पता नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं आया तो मेरे को ऐसा लगा यहाँ पर कोई तो है, और तभी मेरे को एक बंदा दिखाई दिया। अब इसको मैंने नॉक कर दिया था और मुझे लग रहा था अकेला है, लेकिन यार ये नॉक पता नहीं कहाँ हुआ, दिख नहीं रहा था, पता नहीं रेजेज है क्या वहाँ उधर। तो जो भी हो मैं उसको जाके फिनिश कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ओ भाई चलती गाड़ी पे 2 हेडशॉट्स, इतनी एक्यूरेसी, तुम लोग मेरे को बताना यार ये कुछ गड़बड़ मामला है या तुक्का लग गया उसका, मेरे को तो डाउट हो रहा है इस पे, कपड़े पड़े भी नहीं पहन रखे उसने। वेल जो भी हो यहाँ पर अपन आए, लूटा, जिंदा होके वापस आए थे ना, तो यहाँ पर एक गाड़ी आई, मेरे को देखे थोड़ा डर लगा बट मैं खुश भी बहुत हो गया कि पूरी स्क्वाड, मजा आ जाएगा किल लेने में। अरे भाई ये चलती गाड़ी से कैसे मार रहे हैं लोग, भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। अब मेरी किस्मत भी खराब है कि इतना ज्यादा डैमेज देने के बाद भी इन्होंने मेरे ऊपर पुश नहीं करा, गाड़ी लेके निकल गए। वेल मैं यार थोड़ी देर बैठा रहा, बोर होता रहा, बट वो कभी वापस आए नहीं, तो मैं समझ गया यार ये पॉइंट्स के लिए खेल रहे, मुझे इनको ही ढूंढना पड़ेगा, ये मेरे को ढूंढते हुए नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं गाड़ी लेने जा रहा था अपनी, लेकिन तभी मेरे को गाड़ी का साउंड आया। अबे भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, अब भाई जिस हिसाब से इसने गाड़ी घुसेड़ी है ना यहाँ पर,
इतना तो क्लियर है कि ये बंदा एग्रेसिव है। ओके समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये भी भाई अपना इंडियन है। यार मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, इतनी ग्रैंड एंट्री से मम्मी देते हैं। वेल जो भी हो, इसकी गाड़ी देखो क्या खड़ी है नाक के बल भाई। लेकिन यार अब वहाँ हम रुक नहीं सकते ज़्यादा देर, तो मैंने उठाया यूएस और आ गया पोचिंग के पास। यहाँ पर एक डासिया लगी थी तो मेरे को लगा मेरे को फ्यूज मिल जाएंगे। और भाई मज़ा देखो, यहाँ पर एक स्क्वाड है वो लड़ते लड़ते थोड़ा ज़्यादा ही आगे निकल गई और उनकी गाड़ियाँ फोड़ दी गई, वो बीच में फंसे। अब उनको मैं फंसाऊंगा, बस देखते जाओ। इसका देखो इसको भाई पूरा ध्यान कहीं और है। चलो जो भी हो, मेरे को एक फ्री किल मिली, बट ये किसी को तो देख रहा था। ओके इसको देख रहा है भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। ये ऐसे खड़े क्यों हैं, मेरे को देख रहे हैं बस। तो जो भी हो, मेरे को तो फ्री किल मिल रही है, मैं खुश हो गया। मैं थोड़ी देर इधर और रुका और तभी मेरे को एक और बंदा दिखा जो कि थ्री स्टोरी वाले से बचने की कोशिश कर रहा था और फिर उड़ के कहीं भाग रहा था। और सामने साइकिल खड़ी है क्या? इल्लियो भाई, इसके से तुक्का लग गया, मुझे लगा नहीं था इसके लगेगी। बस जो भी हो, उसके बाद थ्री स्टोरी पे मैं गया, लेकिन यहाँ पर जो बंदा था ना वो आगे वाली थ्री स्टोरी पे पुश करने चला गया। और जब मैं छत पे चढ़ा, भाई इतना घमासान युद्ध हुआ है ना यहाँ पर, पूछो मत। बंदे नॉक ऑक तो हुए थे बट कोई फिनिश नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। कल जो भी हो, यहाँ पर मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था और फाइनली कुछ देर बाद मेरे को वो बारी मिल भी गई। अरे यार ये कैसे बच गया, और ये कैसे बच गया यार, मैं तो श्योर था नॉक होगा। भाई नाम पढ़ उसका, ठीक है सब ठीक है भाई, तुम्हारे हालचाल लेकिन ठीक नहीं अभी। गलियां में काफी देर रुका और इसे किसी ने रिवाइव दे दिया, बट किसने रिवाइव दिया वो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो खुद बाहर नहीं निकला। और जोन आ गया और जोन बहुत हैवी डैमेज दे रहा था, तो मैं यहाँ से निकलने लगा और ठीक है भाई फिनिश हो गए, तो उसका टीममेट भी फिनिश हो ही जाएगा शायद। लेकिन मैं बहुत देर से छत पे था और क्योंकि चर से कोई फायरर नहीं हुआ था तो वो जगह क्लियर है, जोन में भी है, तो अब यहाँ ऐसा मुझे लगा था। भाई क्या कर रहा है यहाँ,